हेलो फ्रेंड, आज हम पुराने चूड़ी के बहुत ही कमाल का यूज बताने वाली हूँ। और हमारे घर में जो भी प्लास्टिक के सामान होते हैं, खास करके टब होते हैं, बाल्टी होते हैं, मग होते हैं, कई सारे से सामान होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद होता है किस तरीके से टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसे जोड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार सा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। बहुत ही कमाल की वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का यूजफुल वीडियो हम शुरू करते हैं। हम लेडीज़ के पास बहुत सारे पुराने चूड़ियाँ होती हैं, खास करके जो इस तरीके के एडी नग वाले चूड़ी होते हैं, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। जो कड़े होते हैं, बाले आते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मैं तो फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकती हूँ। खास करके जो एडी नग वाले चूड़ी होते हैं, ये पुराने होने पर भी इसके जो नग होते हैं काफ़ी ज़्यादा ये शाइनिंग देता है। तो मैं तो कभी भी कोई भी पुराने चूड़ी को नहीं फेंकती हूँ। आप भी फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप चूड़ियों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, शायद आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पहले जो दो मोटे वाले चूड़ी थे उसे हमने यहाँ पे क्या किए, ज्वाइंट कर दिए। अब हमें लेना है पतले वाले चूड़ी, और मैं यहाँ पे फेविक्विक का यूज कर रहे हैं, तो आप फेविक्विक भी ले सकते हैं, या तो ग्लूगन है तो ग्लूगन ले लीजिए। मेरे पास ग्लूगन नहीं है तो हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि पहले जो मोटे वाले चूड़ियाँ थे हमने वहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं, अब यहाँ पर हमें पतले वाले चूड़ी को ज्वाइंट करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, फेविक्विक लगा देंगे, और इस तरीके से जब हम पकड़े रहेंगे एक मिनट में ही अच्छे से क्या होंगे, चिपक जाते हैं। तो हमें दो चूड़ियों को चिपकाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो चूड़ी को चिपका लिया, और देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बिल्कुल कभी भी ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम फेविक्विक से चिपकाते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है। तो सभी के घर में टिश्यू पेपर का यूज होता है, खास करके डाइनिंग टेबल पर तो सभी के घर में टिश्यू पेपर रखे रहते हैं। तो आप इस तरीके से बना लीजिए, आप इसमें टिश्यू पेपर को रख सकते हैं, तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब आप इसे निकालिएगा तो इस तरीके से निकालिएगा, देखिए बहुत आसानी से टिश्यू पेपर आपके निकलेंगे भी, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर पुराने चूड़ियों को आप इसमें आप टिश्यू पेपर का स्टैंड है जो आप बना सकते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड, आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। प्लास्टिक का सामान तो सभी लोग यूज करते हैं, कुछ ना कुछ है जो प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं, खास करके टब हो, बाल्टी हो, मग हो, ज़्यादातर इसे प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। लेकिन यूज करने के बाद होता है फ्रेंड कि कभी ना कभी इस तरीके से क्या होते हैं, टब हो, बाल्टी हो, मग हो, या कोई भी प्लास्टिक का सामान होता है टूट जाता है, फट जाता है। तो इस तरीके से जो मेरा टब है फ्रेंड, देखिए बीच से क्या हुई, यहाँ से फट गए हैं, ये टूट गया है। तो इस तरीके से जब हो जाता है तो इसमें होता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा इससे बहने लगता है, तो हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं, और हम लोग लास्ट में से क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से अच्छा है कि आप इसे ज्वाइंट भी कर लीजिए, या अगर आप अच्छे से ज्वाइंट कर लीजिएगा तो आपको महीने दो महीने तो आराम से ये चल जाएंगे, पाँच छः महीने। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी आपके प्लास्टिक का सामान टूट गया, फूट गया, तो उसको आप पहले हाथों से अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, क्योंकि जो सामान टूट जाते हैं तो टूटने के बाद देखते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहले आपको अच्छी तरीके से हाथों से उसको आप सेट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर फेविक्विक ले रहे हैं। तो जहाँ पर आपको सामान फट गया, टूट गया, वहाँ पर आपको थोड़ा सा फेविक्विक लगा देना। तो मेरा जो टब है फ्रेंड, देखिए बीच से थोड़ा सा साइड से भी ये क्या है, फट गए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर से, थोड़ा सा अंदर से हम क्या करेंगे, फेविक्विक को हम लगा देंगे, और हमें एक आध मिनट के लिए इसे छोड़ देना है ताकि ये सूख जाए। ये सूखने के बाद देखिए ये सेट हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल तरीके से ये सेट नहीं हुआ है। अगर हम अभी पानी इसमें डालेंगे तो इससे पानी क्या होंगे, निकालने लेंगे। हमें एक काम और करना है, आपको करना क्या फ्रेंड कि लेना है इनो, जिसे हम खाने में यूज करते हैं, तो आपको इनो लेना है। जहाँ पर आपको सामान फट गया वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से इनो डाल देना है, उसके बाद फेविक्विक लीजिए, और इस तरीके से आप इनो के ऊपर फेविक्विक लगाइए। जैसे आप फेविक्विक डालिएगा तो देखिएगा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपकने लगेगा। तो हम देखिए पहले बाहर से अच्छी तरीके से हम डाल देंगे, उसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक मिनट के लिए हम इसे क्या करेंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें अंदर की साइड में हल्का सा इनो डाल देना है, और फिर से हमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल देना है। जब हम इस तरीके से हम इसे चिपकाएँगे फ्रेंड, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब ये जो टब है पाँच से छः महीने तो और बिल्कुल आसानी से चल जाएगा। तो फेंकने से पहले आप इस तरीके से इसे चिपका लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पानी डालकर भी दिखा दें, तो नीचे की साइड हमने थोड़ा सा कपड़ा रख दिए ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। अब हम पानी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए हम फिर आप टब को हटा लेते हैं। तो ये देखिए एक बूंद भी ये पानी है जो बिल्कुल ये नहीं गिरा है, क्योंकि ये जो टब है बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक गया है। तो आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक का सामान है जो आप उसे चिपका सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप है जो चिपका सकते हैं। ये मेरा कंटेनर है फ्रेंड, देखिए बीच से काफ़ी ज़्यादा ये फट गया है। जो इस तरीके के कंटेनर होते हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं। हम लोग इस तरीके का कंटेनर मार्केट से या ज़्यादातर मॉल से ही लाते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर हम लोग किचन का सामान ही इसमें रखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन होता ही है कि इस तरीके के जो कंटेनर हो जाते हैं जब फट जाते हैं हम लोग क्या करते हैं अक्सर इसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इसे हम किस तरीके से फिक्स करें और कैसे इसे हम चिपकाएँ। तो आज हम एक छोटी सी टिप बता रहे हैं, छोटा सा एक आइडिया बता रहे हैं फ्रेंड, आपको करना क्या है कि आपको कंटेनर को इस तरीके से दोनों हाथों से दबा कर रखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फेविक्विक लगा देना है। अच्छा, आप अगर फेविक्विक नहीं लगाना चाहते तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेविक्विक की जगह पर आप मोम लगा सकते हैं, मोमबत्ती जो होती है ना उसका थोड़ा सा मोम लगा दीजिए और इस तरीके से 1 मिनट के लिए पकड़े रहिए। तो ये क्या होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या होंगे चिपक जाएंगे। आपको मोम को जलाकर इस तरीके से हल्का सा क्या करना है फिक्स कर देना है, तो बहुत आसानी से मोम से भी फिक्स हो जाते हैं या तो फेविक्विक से भी करेगा तो फेविक्विक से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। और आपको एक काम क्या करना है फिर, आपको फिर से लेना है इनो, तो आप इनो ले लीजिए। अगर अच्छा आप इनो नहीं लेना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसे हमें लेना है। तो आप इनो ले लीजिए या तो मीठा सोडा ले लीजिए, जो आपको इच्छा करे उसे आप ले लीजिए। और थोड़ा सा आपको इस तरीके से कंटेनर के ऊपर क्या करना है हाथों से आपको लगा देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा दिए हैं क्योंकि कंटेनर देखिए काफ़ी ज़्यादा ये फटे हुए थे, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा इनो का यूज किए। उसके बाद हमें हल्का सा फेविक्विक लगाना है, ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा फेविक्विक आपको उस पर डाल देना है और हमें 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल ये चिपक गया है। अब इसको कितना भी आप इसे छुड़ाने की कोशिश करिएगा बिल्कुल ये छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है, ये परमानेंट फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर से ये बिल्कुल ये नहीं ये फटने वाला है और ना ही यहाँ से ये क्या होंगे ये उखड़ने वाला है। तो आपको इस तरीके से कंटेनर को क्या करना है चिपका देना। अब आपको पानी भर कर भी दिखाते हैं, ये देखिए एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो जाता है ये फिक्स हो जाता है। तो आप इस तरीके से कंटेनर को चिपका सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और इसमें आप अपने जो भी किचन का सामान है उसे आप रख सकते हैं। आपको मार्केट से महंगे दामों में फिर से खरीद कर लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमने कंटेनर को भी फिक्स कर दिए हैं। आज का ये कुछ छोटी छोटी आइडिया थी फ्रेंड, जो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। कौन सा आइडिया आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।